जय हिंद प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं। और इसी संदर्भ में हम लोग क्या कर रहे हैं, आज वैद्युत रसायन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले 4-5 सालों में आए हुए हैं या फिर जिनके आगे आने वाले की कुछ संभावनाएं हैं, उनके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। वैद्युत रसायन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हमारे पास क्या 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और बेसिकली इसमें हर साल जो होते हैं आपके पास न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आज वैद्युत रसायन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले 4-5 साल के आपका सेटों में दिए गए हैं, या फिर आपके पास बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिस सेट आते हैं, उनमें से हमने एक प्रैक्टिस सेट चुना है जिसमें से 4-5 सालों के क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है, और उन क्वेश्चनों को हम लोग क्या आगे आकर आज जाकर के सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या कुछ क्वेश्चन है। जैसे दिया गया आपके पास क्या एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेल के लिए ईएमएफ की गणना कीजिए। ठीक है, एक क्या ईएमएफ ज्ञात करना आपके पास, ई और एम एफ नहीं, ई एम एफ ज्ञात करना है। किसके लिए, एक ई एम एफ ज्ञात करना है। उन्होंने सेल दे दिया आप लोग को, जेडेन, जेडेन प्लस टू में है, जेडेन है किसमें जा रहा है, जेडेन टू प्लस में है। और आपके पास पता रहे आपका क्या इसकी जो सांद्रता दे दी गई है 1 मोलर है, 1 मोलर सांद्रता है। इसके बाद इन्होंने क्या कह दिया, लगा दिया साल्ट है, कॉपर है टू प्लस में है, कॉपर टू प्लस, और जा किसमें आपके पास क्या कॉपर में। तो पूछा है आपका क्या, जबकि आपका दिया क्या गया आपके पास, इसमें गिवन क्या है, गिवन इन्होंने दे दिया क्या ई नॉट जेड एन टू प्लस, जेड एन टू प्लस। ठीक है, चेंज किसमें हो रहा आपके पास, जेड एन में। अगला एक और दे दिया, इसका मान दे दिया गया इन्होंने क्या, इन्होंने दिया आपके पास क्या माइनस का आपके पास क्या 0.76 वोल्ट, माइनस का आपके पास 0.76 वोल्ट ये दे दिया है। और एक और ई नॉट दे दिया इन्होंने, ई नॉट दिया किसका भाई, कापर है 2+ आयन का, कापर 2+ आयन, और फिर भी आ रहा किसमें कापर में, इसका मान दे दिया गया आपके पास क्या माइनस का दिया, सॉरी प्लस का दिया गया 0.34 वोल्ट, प्लस का है 0.34 वोल्ट। तो प्यारे बच्चों, आपको एक क्वेश्चन छोटा सा आ रहा है जो पिछली बार पूछा गया था, शायद 2 नंबर में पूछा जाएगा। पूछा गया आपके पास क्या, इस सेल के लिए हमको क्या ई एम एफ ज्ञात करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, फिर क्या ये पास जो है वैद्युत वाहक बल जो है वो पूछा जा रहा है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए आपके पास क्या जेड है, जेड एन प्लस टू में जा रहा है, जिंक है, जिंक प्लस टू में जा रहा है। तो हमने आप लोग को जो बताया था, तो एक सेल पढ़ाया था, सेल में हम लोग पढ़े थे क्या बेसिकली आप डेनियल सेल कह सकते हैं, गैलोरी सेल कहते हैं। तो डेनियल सेल में हमने आपको बताया था पहले आगे जो बना होता है आपके पास क्या, जो सेल होते हैं उनमें आगे जो होता है हमेशा एनोड बनाते हैं, जो सेल हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले हमने आपको क्या आपको ऑनलाइन पढ़ाया है, ऑफलाइन भी आपको बताया है। तो आपके पास क्या ये जो सेल होता है ये सॉल्ट ब्रिज है, तो इसमें आगे वाला जो सेल होता है उसमें हमेशा क्या होता है वो ऑक्सीडेशन की क्रिया खत्म होती है। और एक आपके पास और होता है जो आपके पास क्या रहता है आपके पास क्या, बिल्कुल एक आपका कहलाएगा एनोड और एक कहलाता था आपका कैथोड, सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या लेते थे, ये आपका डिप किया होता था, जिंक है, जिंक की रॉड होती थी, जिंक सल्फेट में ये डिप किया जाता है, जेडन और एसओ फोर में, जिंक की रॉड है जिंक सल्फेट में रहती है। और आपके पास क्या कॉपर की रॉड है जो सीयू है, किसमें रहती है आपके पास, ये कॉपर की रॉड जो होती है वो कॉपर सल्फेट में, सीयू और एसओ फोर कॉपर सल्फेट में है। तो ये हमने बताया था आपके पास क्या ये जो होती है ये लगातार जो है सेट जो या फिर क्या ये जो इलेक्ट्रोड होता है वो लगातार डिजॉल्व होकर के क्या करता है वो विलयन में जाता रहता है। सॉल्ट ब्रिज में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पे आपका सॉल्ट ब्रिज है, लेते हैं आपका क्या अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है। ठीक, आप KCl ले सकते हैं, आप ले सकते हैं K और NO3 पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह का यहाँ पे मिश्रण लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, इसमें हमने आपको बताया था कि आपके पास आगे वाला जो होता है पहले जो शुरुआत में है जिसपे ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, जेड एन जेड एन प्लस टू में जा रहा है, टूटा यहाँ पे जेड एन टू प्लस में आ रहा है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं क्या एनोड कहते हैं। रीजन क्या होता है, जेडन जब टू प्लस में आता है तो उस समय आपके पास क्या ये इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं लगातार आपके पास क्या मूव करते हैं, इस तरह से मूव करेंगे, और जो धारा की दिशा होती थी वो आपके पास क्या होती है इसके विपरीत होती थी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमें ये बताना है कि भैया इसमें आपके पास क्या होगा, कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड। तो बेसिकली हमने आपको बताया था कि जिंक और कॉपर में आपके पास क्या ये जो कॉपर होता था वो कैथोड होता था, कॉपर कैथोड की तरह व्यवहार करता था, और यहाँ पे एनोड जो होता था वो जिंक का होता था। अब देखना है आपके पास क्या इसके लिए ई एम एफ ज्ञात करना है। हमने आपको बताया था कि अगर हम लोग ई एम एफ ज्ञात करते हैं तो ई सेल बराबर क्या होता है, ई सेल या फिर क्या ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट आपके पास क्या कैथोड, ई नॉट आपके पास किसका भैया कैथोड का, और माइनस आपके पास क्या होता है ई नॉट जो होता है आपके पास क्या एनोड का।
कब होता है ये तब होता है जब दोनों का अपचयन विभव दिया जाता है। ठीक है, जब दोनों सेल हमारे पास, दोनों अर्धसेल जो दिए गए हैं उनका जब अपचयन विभव दिया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस समय हम लगाते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब बात आती है बच्चों अपचयन विभव क्या होता है, तो अपचयन विभव मतलब होता है ये देखिए आपको दिखाई पड़ रहा जेड एन टू प्लस है और किसमें जा रहा है, जेड एन में जा रहा है, अर्थात आपका जो सेल बताया जा रहा है वो कुछ इस प्रकार का है कि जेड एन है जो क्या हो रहा है आपका जेड एन टू प्लस में जा रहा है। ठीक है, सॉरी जेड एन टू प्लस है यहाँ पे, सॉरी सॉरी जेड एन आपका क्या होगा टू प्लस में जा रहा है, बिल्कुल जेड एन टू प्लस में जा रहा है, इसका मतलब आपका क्या यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, और एक चीज और हो रहा है आपके पास क्या, कॉपर जो है वो क्या कर रहा है, जो आपके पास क्या प्लस का टू इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुक्त हो रहा है उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण करके, नहीं कॉपर है टू प्लस में है वो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये बनाता है आपके पास क्या कॉपर सॉलिड बनाता है, और ये जो कॉपर सॉलिड होता है वो कॉपर के ऊपर आकर कैसे धीरे धीरे डिपॉजिट होता रहता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे आपके पास क्या, एक जगह अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो रहा है क्या रिडक्शन, आर ई डी ये रिडक्शन हुआ, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया आपके पास यहाँ पे संपन्न हो रही है। तो क्या करना है, हमने आपको बताया था एनोड और कैथोड ये जब है तो हम लोग क्या करते हैं ई सेल के लिए ई कैथोड माइनस ई एनोड करते हैं, अर्थात पहले कैथोड का आपस अपचयन विभव लगाते हैं फिर आपस एनोड का अपचयन विभव लगाते हैं। अब अपचयन विभव हम लोग को पता है भैया कैथोड कौन होगा, कैथोड आपस क्या कापर वाला है, तो कापर का अपचयन विभव आप लगाइए, कापर का अपचयन विभव दिया गया प्लस का आपस क्या 0.34 वोल्ट है, माइनस का क्या हो गया आपस माइनस का 0. आपस क्या 76 वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपका प्लस माइनस प्लस का पास क्या 0.34 वोल्ट यहाँ पर होगा और प्लस हो जाएगा 0.76 वोल्ट यहाँ पर आएगा, तो दोनों जोड़ने पर आ रहा आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ पे और आपका क्या 7 6 सॉरी 7 3 10 1 11 इस प्रकार से होगा 1.10 वोल्ट आपका क्या होगा ये आ जाएगा आपका 1.10 वोल्ट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा कि हमारे पास क्या होगा किसी सेल के लिए क्या ज्ञात करना रहे ईएमएफ ज्ञात करना रहे तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग हमेशा क्या करेंगे जब हमारे पास दिया जाए पता नहीं कौन कैथोड है कौन एनोड है, तो ये भी हमने आपको वहां पर बताया था कि सेल में अगर हमारे पास कुछ नहीं दिया जाता है तो आगे अगर हाफ सेल के रूप में या फिर क्या हम लोग ऐसे गैल्वेनिक सेल का इसका निरूपण करते हैं तो हमेशा ये मान के चलिए एनोड पहले होगा और कैथोड बाद में होगा, एनोड पहले होता है और कैथोड बाद में, तो हमको उतना ज्यादा ध्यान भी नहीं रखना है, जो कैथोड है वो कैथोड को पहले कर दीजिए उसका अपचयन विभव देख लीजिए कि आपके पास ये कैथोड है कैथोड का अपचयन विभव दिया गया है, और फिर हम लोग क्या करेंगे एनोड लगाएंगे, एनोड का अपचयन विभव दिया गया दोनों को माइनस करके हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे आएगा 1.10 वोल्ट आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन जो आपका पिछली बार पूछा गया था 2000 आपके पास क्या 21 का है, जो पूछा गया आपके पास क्या जेड एन है सेम इसी प्रकार का, आपकी बार क्या कर रहा है समझिएगा अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है इसको नोट करेंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है दिया गया जेड एन, जेड एन टू प्लस है, जेड एन है जेड एन टू प्लस में जा रहा है और फिर इसके साथ आपके पास क्या है इसकी सांद्रता आपके पास 1 मोलर दे दी गई है कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्ट ब्रिज बना रही है, सॉल्ट ब्रिज में आपके पास क्या कोबाल्ट है सीओ है कोबाल्ट टू प्लस में है, इसकी आपके पास सांद्रता दी गई है इसका भी आपके पास 1 मोलर ही सांद्रता है, जब मोलरता में कोई परिवर्तन है तो कोई दिक्कत नहीं आपके पास 1 मोलर सांद्रता दी गई है और किसमें जा रहा है आपके पास ये जा रहा है आपके पास क्या कोबाल्ट। ठीक है, कह रहा है सेल के सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए, जबकि सेल के लिए आपके पास क्या ई नॉट दिया गया है, सेल के लिए आपके पास क्या इसका भी ईएमएफ आपको ज्ञात करना है, ईएमएफ ज्ञात करना है आपके पास ईएमएफ कितना होगा, और क्या दिया सेल के लिए आपके पास क्या ई नॉट दे दिया गया है जेड एन टू प्लस जेड एन में जा रहा है बराबर, हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है क्या है माइनस का होता है आपका 0.76 वोल्ट। ठीक है, अगला एक दिया गया कोबाल्ट के लिए अगर देखा जाए सीओ है बिल्कुल ई नॉट है कोबाल्ट किसमें है टू प्लस से कोबाल्ट में जा रहा है टू प्लस है और किसमें आ रहा है कोबाल्ट में जा रहा है क्या हो रहा है इसका अपचयन विभव दिया गया आपके पास क्या प्लस का आपके पास 0.28 वोल्ट प्लस का आपके पास 0.28 वोल्ट। तो प्यारे बच्चों हमने जैसा कि आपको बताया इसके लिए हमको क्या करना है आपके पास ईएमएफ ज्ञात करना है, जी हाँ ईएमएफ ज्ञात करना है, तो हम लोग ईएमएफ कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ी देर पहले सोल्यूशन में अगर देखे हम लोग तो हमने आपको क्या बताया भाई, अगर आप लोग को भी इसका ईएमएफ ज्ञात करना है तो नोट कीजिए हमेशा
कि ई कैथोड वा माइनस ई एनोड लगाइए या फिर एनोड वा लगाइए नहीं, अर्थात आपके पास क्या, अगर ई सेल आप ज्ञात करना चाहते हैं, ई सेल अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं या फिर क्या ई नॉट सेल अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो ई नॉट सेल हमारे पास क्या होगा, वो हमेशा लगाएंगे आपके पास क्या ई कैथोड माइनस आपके पास क्या ई एनोड। कुछ जगहों पर ऐसा भी लिखा जाता है क्या, आपको दिया पास क्या राइट माइनस लेफ्ट, कहीं कहीं पे ऐसा भी दिया गया पास, कुछ पुस्तकों ने दिया गया ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता पास क्या ई आप पास होता क्या पास, बिल्कुल आप राइट कर सकते हैं भैया, और माइनस क्या आपका भैया ई लेफ्ट, ऐसे भी कर सकते ई राइट माइनस ई लेफ्ट। फिलहाल हमको इसको नहीं ध्यान देना, हमको ध्यान आपको क्या रखना भैया आपका, अगर हमारे पास अपचयन विभव दे दिए जाए तो हमको क्या सॉल्व करना है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है चलो बच्चो, हमें आपको पता भी है, आपको भी पता भी है कि आपके पास क्या है, कौन सा आपके पास अपचयन विभव, जब आगे दे दिया गया है तो इसका मतलब आपके पास क्या ये कौन होगा आगे वाला एनोड होगा, ठीक है, और ये आपके पास क्या होगा कैथोड होगा, एनोड और कैथोड हमारे पास दिए गए हैं, तो इस प्रकार से अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास आएगा क्या कैथोड कौन है, कैथोड आपके पास ये है, कैथोड का मान आपको दिया गया है, प्लस का आपके पास क्या 0.28 वोल्ट ये है, माइनस माइनस का आपके पास 0.76 वोल्ट आपको ये दे दिया गया है, इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, प्लस का आपका 0.28 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76 कितना हो गया 8, 6, 14, 3, 4 हाथ में एक 7, 2, 9, 1, 10 नहीं 7, 2, 9, 1, 10 इस प्रकार से होगा 1.14 आपके पास क्या होगा वोल्ट आ जाएगा, ये VOLT नहीं, तो ये हमारे पास क्या होगा सोल्यूशन आएगा और ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है तो इस तरह से हम लोग क्या किसी भी आपका सेल के लिए हम लोग क्या EMF ज्ञात कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो पिछली बार पूछा गया था या फिर आगे आने वाले क्वेश्चन है, दिया गया पास क्या क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया, इसको आप नोट करेंगे तब तक मैं अगला सॉल्व करता हूं। प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे इस प्रकार से लगभग क्या बहुत सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हुए चलेंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व कीजिए। चलिए हम दे रहे हैं इसमें लिखा गया पास निम्नलिखित सेल के लिए विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, ऐसे लिखा हुआ भाई ZN है, ZN सॉलिड ठीक है, प्लस आपके पास क्या टू मोस आपके पास क्या एजी है ठीक है, प्लस चार्ज है एक्वस है जलीय विलयन में है, चेंज किस में हो रहा भाई ये चेंज हो रहा है आपके पास क्या ZN2+ है, ZN2+ सॉलिड सॉरी ZN2+ आपके पास एक्वस होगा और प्लस बनेगा आपके पास क्या टू मोस आपके पास एजी होगा जो सॉलिड के रूप में इस प्रकार से आकर के निक्षेपित हो रही है। ठीक है दिया क्या गया आपका दिया और गिवन आपके पास क्या ई नॉट दिया गया है ZN 2 प्लस चेंज किसमें हो रहा है ZN में बराबर, अभी आपको पता है 0. माइनस का होता है 7.6 वोल्ट होता है और दिया गया आपके पास क्या E नॉट AG प्लस, बिल्कुल AG प्लस चेंज किसमें हो रहा है आपके पास क्या AG में, इसके लिए भी दिया गया आपके पास क्या मान दिया गया है मान दिया गया आपके पास क्या प्लस 0.80 वोल्ट, प्लस का दिया गया 0.80 वोल्ट। प्यारे बच्चों आप सॉल्व कीजिए फिर हम लोग इसको मैच करते हैं, चलिए सॉल्व करेंगे आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा फिर आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास 2000 आपके पास क्या 2000 आपके पास 18 में पूछा गया था और आने वाले समय में आपके पास क्या पॉसिबिलिटी भी इसकी है कि आपके पास क्या होगा दो नंबर के क्वेश्चन ये आ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया था कि आपके पास क्या अगर सेल में ऐसे कुछ लिखा रहे या फिर आपके पास उसका EMF ज्ञात करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा जो गिवन सेल होता है उसको पहले उसके अनुसार लिख लेते हैं। अब हमें कैथोड और एनोड कैसे पता चलेगा तो आपको पता होना चाहिए कि ZN कितना है, ZN की जो ऑक्सीकरण संख्या अगर कुछ नहीं लिखी तो ZN की ऑक्सीकरण संख्या यहां पे आपको जीरो दिखाई पड़ेगी, ZN की ऑक्सीकरण संख्या आपको जीरो दिखाई पड़ेगी। अब यहां ZN कितने में जा रहा है ZN 2 प्लस में जा रहा है अर्थात ZN यहां से ZN ZN प्लस 2 में जा रहा है और AG क्या हो रहा है AG आपका प्लस से जा रहा है जीरो में, तो आपको ये पता ही है कि हमने आपको बताया भी था कि भी अगर हमारे पास ऐसा कुछ है भैया जीरो है प्लस वन है प्लस का टू है प्लस का थ्री है माइनस वन है माइनस का टू है माइनस का थ्री है, अगर हम लोग इधर से इधर जाते हैं तो ऐसा लगा है नंबर में वृद्धि हो रही है, बिल्कुल माइनस थ्री से माइनस टू में जाना वृद्धि है, या फिर हमारे पास क्या इस तरह से हम लोग आते हैं तो हमारे पास क्या है कमी हो रही है टू से वन थ्री से टू कमी, कमी को होता है रिड्यूस, रिड्यूस मतलब होती कमी और उसी से बना आपके पास क्या रिडक्शन, ठीक है इसी से बना आपके पास क्या रिडक्शन और आपके पास क्या हो गया इधर से अगर देखा है तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन, इसको नोट करेंगे आप लोग।
कहीं पे भी आपको क्या होगा, ऑक्सीडेशन किस पे होता है तो आपको ये पता होना चाहिए, एनोड पर होता है, और रिडक्शन किस पे होता है तो कैथोड पर होता है। तो ये ट्रिक थोड़ा सा है, ट्रिक हमारे पास क्या है, ट्रिक अगर हमारे पास क्या होगा, किसी भी आपके पास क्या आवर सारणी में या फिर क्या कोई भी चीज दी जा रही है आपके पास क्या, या फिर आपके पास क्या ऐसे सेल बना देगा, तो हमें पता होना चाहिए कि भी अगर हमारे पास क्या होगा उसकी ऑक्सीकर संख्या में कमी हो रही है तो इसका मतलब उसमें रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किस पे होता है हमेशा ध्यान दीजिएगा, कैथोड पर होता है, और ऑक्सीडेशन किसके ऊपर होता है, वो एनोड के ऊपर होता है। अगर ऑक्सीकर संख्या में वृद्धि हो रही है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। चलिए इसको आप नोट करेंगे, फिर आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया आपके पास, उस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है दिखा हुआ आपके पास क्या, हमने आपको बता भी दिया, ZN 0 से ZN प्लस 2 में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन है, और ये क्या है रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, कैथोड पर, रिडक्शन किस पे होता है एनोड पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं आपके पास क्या है, हम इसको ऐसे अर्थ सेल के रूप में भी लिख सकते हैं, कैसा होता है ये होता है आपके पास क्या, ZN होगा, ठीक है, सॉलिड किसमें जा रहा भैया, ZN एक्वस है, 2 प्लस में है, सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे इस तरह से, और सॉल्ट ब्रिज लगाने पे आपके पास आ रहा है क्या, टू मोल्स आपके पास क्या एजी है, ठीक है, किसमें है एक्वस में, प्लस चार्ज है, किसमें बदल रहा है एजी सॉल्ट, टू मोल्स। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हमेशा किसको भी एनोड को पहले, कैथोड को बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना भाई, वही ई नॉट सेल ज्ञात करना है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है आपके पास क्या, ई नॉट आपका कैथोड माइनस होता है आपके पास क्या ई नॉट एनोड। ठीक है, कब होता है, जब दोनों का अपचयन विभव दिया गया हो। अपचयन विभव किसका, जिंक का अपचयन विभव दिया गया है और सिल्वर का भी अपचयन विभव दिया। तो हमने आपको बता दिया एनोड किसका हो गया, जिंक का है, कैथोड किसका है, सिल्वर का है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैथोड वाले के लिए अपचयन विभव दिया गया है कितना, 0.80 वोल्ट। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, फिर माइनस का दे दिया आपके पास क्या, 0.76 वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास होगा, प्लस का आपके पास ये भी, चलो प्लस सिंबल के साथ है, तो 0.80 प्लस माइनस माइनस प्लस 0. आपके पास क्या होगा 76 वोल्ट। कुल मिलाकर हमारे पास आ रहा है 6 हो गया, फिर आपका 8/15 मतलब क्या होगा 1.56, नहीं 6 हो गया 8/15 अर्थात क्या होगा 1.56 वोल्ट। ठीक है बच्चों, यह हमारे पास आंसर आ रहा है। तो ये तीन क्वेश्चन हमारे पास क्या, हम लोग EMF पे ज्ञात कर लिए, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करते चलिए। आइए हम लोग देखते हैं इसी क्रम में अगला क्वेश्चन जो आने वाला है, जिसकी संभावना इस पर दी गई है, तो सेट हमारे पास अगला आ रहा है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी भिन्नता है, थोड़ा सा इसे समझिएगा, दोनों की सांद्रता दे दी गई है, हम लोग को EMF की गणना करनी है, कितना होगा इसका, चलो नोट करिए इसको, सॉल्व कीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। दिया गया आपके पास क्या, निम्नलिखित सेल के लिए विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, EMF गणना करना है, विद्युत वाहक बल EMF की गणना करनी है। क्या बना हुआ क्वेश्चन ये है, EM और F का गणना करना, किसके लिए, EMF की गणना कीजिए। ठीक है, EMF की गणना करनी, सेल कौन सा है, तो सेल आपके पास क्या कैडमियम का है, CD है, ठीक है, किसमें जा रहा है, CD 2 प्लस में है, इसकी मोलरता दे दिया एक्वस है, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक्वस आप लिख सकते हैं, सॉलिड है यहाँ पे, एक्वस यहाँ पर है, मोलरता दिया गया आपका क्या 1 मोलर है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज बना रहे, ये सॉल्ट ब्रिज आपका आ रहा क्या एजी है, एजी है प्लस में है, एजी प्लस में है, और इसकी भी सांद्रता आपके पास दिया गया क्या, ये एक्वस है, चलो यहाँ पे आपके पास क्या मोलरता आपके पास 1 मोलर है, और किसमें जा रहा है आपके पास क्या एजी सॉलिड में जा रहा है। ठीक है, चलो बच्चों यहाँ पे आपके पास क्या, इनके हम लोग क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देंगे, प्लस ई नॉट आपके पास क्या होगा CD, बिल्कुल CD है 2 प्लस, चेंज किसमें हो रहा है CD में, बराबर होगा आपके पास क्या दिया गया इसमें, माइनस का आपके पास दिया गया है 0.40 वोल्ट, माइनस का है 0.40 वोल्ट है, और क्या दे दिया गया है ई नॉट दिया गया है किसके लिए भैया एजी प्लस है, एजी प्लस प्लस आपके पास किसमें जा रहा है एजी में, बराबर दिया गया इसका हमारा आपके पास क्या, प्लस का आपके पास थोड़ी पहले भी सॉल्व किए हैं, प्लस का दिया आपके पास क्या 0.80 वोल्ट,
0.80, ठीक है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे सांद्रता दे दी जाती तो सांद्रता के लिए हम लोग क्या करते हैं, नष्ट इक्वेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नष्ट साथ है भैया, उन्होंने इक्वेशन दिया था, ठीक है, नष्ट समीकरण, नष्ट समीकरण यहाँ पर दिया गया था क्या पास ई नॉट, अगर सॉरी ई सेल अगर ज्ञात करना होता था ना, ई सेल इज इक्वल टू होता था क्या ई नॉट सेल माइनस होता था पास क्या 0.0, ठीक है, 591 अपॉन एन लॉग बेस 10। उत्पाद की सांद्रता बिल्कुल कंसंट्रेशन आपका क्या उत्पाद लिखते थे, उत्पाद होता था, ठीक है, और होता था आपका क्या अभिकारक, ठीक है। रिएक्टेंट की सांद्रता इसको हम लोग रिएक्टेंट भी कहते थे, रिएक्टेंट भी कह सकते इसको, रिएक्टेंट यहां पे कह सकते हैं, और आपका ये हो गया प्रोडक्ट, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। चलिए तो बात आती पहले भी हम लोग को ई नॉट सेल याद करना पड़ेगा, तो ई नॉट सेल याद करने के हमारे पास क्या तरीका है, ई नॉट सेल बराबर अभी पढ़े थे हम लोग क्या, ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता आपके पास क्या ई कैथोड या फिर ई नॉट कैथोड माइनस होता आपके पास क्या ई नॉट एनोड होता है। क्लियर है बच्चों, ई नॉट सेल बराबर क्या होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट सेल, ठीक है, ई नॉट एनोड। कैथोड कौन होगा भाई यहाँ पे, तो कैथोड तो भाई आपको पहले ही पता होगा, कैथोड ये है और ये एनोड है, कैथोड ये और एनोड। अब जब कैथोड ये है तो इसके हमारे पास क्या ई नॉट का मान दे दिया गया, किसका भैया ये कैथोड, कैथोड की लगाइए, चलो कितना दिया गया आपके पास प्लस का आपके पास दिया गया 0.80 वोल्ट, ये है माइनस, माइनस का दिया गया आपके पास क्या 0.40 वोल्ट, ठीक है, कितना हो जाएगा बिल्कुल 0.80 वोल्ट प्लस होगा 0.40 वोल्ट, इस प्रकार से आएगा 1.20 वोल्ट। क्लियर है बच्चों, हो चुका। चलिए आगे देखते हम लोग ई नॉट सेल ज्ञात कर चुके हैं, यहां पे लगाते हैं। चलिए यहां पे हमारे पास आ रहा है ई नॉट सेल, बिल्कुल ई नॉट सेल का मान हम लोग निकाल लें 1.20 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन होगा आपका क्या एन। अब थोड़ा सा ये देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, एन का मान कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एन का मान कैसे निकाले भाई, तो एन भैया देखो इसको पहले बना लीजिए ना भैया, क्या लिखा आपके पास क्या सी डी है, ठीक है, किस में जा रहा भैया सी डी, सी डी टू प्लस में जा रहा है, ठीक है, अर्थात किसने इसने दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया होगा, सी डी है सी डी प्लस टू में जा रहा है अर्थात इसने दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। इसी प्रकार से आपके पास क्या Ag है, बिल्कुल Ag है और किस में जा रही है Ag, सॉरी Ag प्लस है, किस में जा रहा है Ag में, ठीक है। तो यहां पे आपको लग रहा होगा कि भैया यहां पे हमारे पास क्या एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, तब जाकर कि ये Ag बनेगा क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन ये पा गया Ag में, तो ये समीकरण हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन एक जगह जा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इस तरह से समीकरण को बराबर करने के लिए हम लोग दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा ये टू मोस आपके पास क्या ए जी प्लस प्लस आपके पास क्या टू इलेक्ट्रॉन, चेंज किसमें होगा आपके पास टू मोस आप ए जी में, ठीक है, ए जी सॉलिड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सॉलिड लिख सकते हैं, ये एक्वस रहा होगा बिल्कुल, और बाकी आपके पास इसको भी आप लिख के लेके आइए क्या बना आपके पास सी डी है, ठीक है, चेंज किसमें हो रहा है आपके पास सी डी टू प्लस और प्लस का आपके पास क्या टू इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आपको पता चलता है कि भैया इलेक्ट्रॉनों का भैया क्या दो दो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एन का मान हम लोग यहां से निकाल चुके हैं भैया, एन बराबर आपके पास कितना आ रहा है एन बराबर इस प्रकार से हो गया दो, जब एन का मान दो आ गया तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एन की बटे पर दो हो गया, ठीक है, लॉग बेस 10 है। उत्पाद अब ये ध्यान रखना उत्पाद कौन है भाई, उत्पाद आपका बन कौन है, देखिए उत्पाद हमेशा ध्यान रखिएगा जो बनने का होता है आपका क्या होगा ये सी डी आपका प्लस टू में है, ये अभिकारक और उत्पाद अगर पूरे समीकरण को हम लोग जोड़े तो आपका अभिकारक जो है वो आपका क्या होगा ए जी की सांद्रता, बिल्कुल यहाँ पे देखिए सबकी सांद्रता देखिए, तो आपका क्या अभिकारक में अगर हम लोग देखें थोड़ी देर के लिए सांद्रता है समझिए इसको, ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या ये है इक्वेशन टू मोस आपका क्या ए जी है प्लस चार्ज अभिकारक है और प्लस बनेगा आपके पास क्या जोड़ते हैं पे प्लस सी डी है चेंज होगा आपके पास क्या टू मोस आपके पास क्या ए जी सॉलिड है, ठीक है, यहाँ पे आप एक्वस है
और प्लस बनेगा आपके पास क्या, सी डी पे 2+ चार्ज एक्वस, ये सॉलिड। तो हमें ये पता चल रहा है आपके पास क्या, ये अभिकारक है, सांद्रता में ये आपके पास क्या होगा रिएक्टेंट है, और ये आपके पास क्या है प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब आपके पास क्या अभिकारक के बाद जो अभिक्रिया के बाद बनता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाला है वो आपका प्रोडक्ट कहलाता है। आपके पास क्या हो गया ये सी डी कैसा है, ये प्रोडक्ट है, उत्पाद वाला है, प्रोडक्ट वाला है, और ये आपके पास किसका है रिएक्टेंट होगा। सांद्रता ये हमको ध्यान देने थे, तो सांद्रता आपके पास अभिकारक की सांद्रता बटे उत्पाद की सांद्रता, ठीक है, सॉरी ये आपके पास प्रोडक्ट है, बिल्कुल आपको यहाँ पे देखने को मिला। आपके पास क्या रिएक्टेंट कौन भी है एजी है, तो रिएक्टेंट, और आपके पास ये कौन है भैया प्रोडक्ट है, चलो उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता ने, उत्पाद उत्पाद की सांद्रता लगा रहे हैं, उत्पाद कौन हो गया आपके पास कैडमियम है, उत्पाद की सांद्रता अभिकारक, तो उत्पाद की सांद्रता हमारे पास आ रही है कितना हो गया 1 मोलर, ठीक है, और यहां पे सांद्रता आपके पास मोलर था, फिलहाल हटा भी लेते कोई दिक्कत नहीं, 1 आ जाएगा, और यहां पर आपके पास आएगा क्या 1, और इसका रस समीकरण मितीय गुणांक में दिया गया, देखिए ध्यान दिया गया, कैडमियम के लिए अगर देखा जाए तो आपको सॉरी एजी के लिए अगर देखा है तो इसके अंदर 2 है, तो पावर इसके ऊपर क्या हो जाएगा रस समीकरण मितीय गुणांक पावर के रूप में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास होगा क्या ये 1.20 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10, ये 1 है और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो 1/1 बराबर कितना होता है बिल्कुल 1 ही आएगा। लॉग 1 का मान आपके पास क्या होता है 0 होता है, ठीक है, ठीक है, आपके पास क्या होता है ये लॉग 1, ठीक है, लॉग बेस 10 और 1 बराबर जो होता है पास 0 होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा log base 10 1 का मान जो होता है वो 0 होता है। इस प्रकार से आपके पास 1.20 माइनस 0.0591 अपॉन 2, ठीक है, इसका मान कितना हो गया 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, गुणा करेंगे तो आपके पास मान 0 हो जाएगा, इसमें से 0 घटाएंगे तो इस प्रकार से मान आ रहा है 1.20 वोल्ट, ठीक है बच्चों, ये आंसर हमारा आता है। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया गया था, कह रहा पास क्या ईएमएफ की गणना कीजिए, ठीक है, और जब सांद्रताएं दे दी जाती है तो हम लोग उसके लिए ने नष्ट समीकरण था उसका सॉल्व करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनमें सांद्रता दे दी गई, 1 मोलर सांद्रता इसकी है, 1 मोलर सांद्रता इसकी है, और क्या दिया गया है, और आपको दिया गया है कि भैया इसका कैडमियम का अपचय विभव आपके पास दिया गया है, माइनस का आपके पास 0.40 वोल्ट इसका दिया गया है, और सिल्वर का भी आपके पास अपचयन विभव दिया गया, प्लस का आपका 0.80 वोल्ट दिया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं पढ़े हुए, ने नष्ट समीकरण क्या होता है, E सेल इज इक्वल टू होता है आपके पास क्या E नॉट सेल माइनस 0.0591, ठीक है, अपॉन N, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हो रहे हैं, अपॉन N लॉग बेस 10 उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, अर्थात रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। भैया हम लोग ई नॉट सेल कहां से निकाले हैं, तो आपको ये हमने बता दिया कि ई नॉट सेल कैसे निकाला जाए, तो ई नॉट सेल बराबर होता है कि आपके पास ई कैथोड होता है और माइनस आपके पास क्या ई एनोड होता है। कैथोड कौन भाई, तो हमने आपको पहले ही बताया भैया कैथोड बाद वाला होता है, एनोड पहले वाला होता है। कैथोड के लिए आपके पास कितना है, इसका अपचयन विभव आपको दिया गया है, प्लस का आपके पास 0.80, ठीक है, माइनस है, माइनस सिंबल साथ में रहेगा, तो आपके पास क्या माइनस का पास 0.40 वोल्ट, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास क्या आ रहा है 0.80 प्लस आपका 0.40 अर्थात बनेगा 1.20 वोल्ट हमारे पास यहां पर आया, ठीक है। आइए यहां पर हमने लगा दी भैया आपके पास क्या, आपके पास पी नॉट से ला गई, आपके पास समीकरण में दिया गया आपके पास क्या 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 है, ये सांद्रता उत्पाद की है, ठीक है, उत्पाद आपके पास कैडमियम है और कैडमियम की सांद्रता आपके पास 1 मोलर दी गई, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक, अभिकारक कौन भी है ये आगे रिएक्टेंट, लेकिन इसका रस समीकरण मितीय गुणांक जो है वो 2 है, तो वो 2 किस में चला जाएगा पावर में चला जाता है, ठीक है, कंसंट्रेशन का स्क्वायर है, स्क्वायर करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं, 1/1 = 1 होगा, और लॉग 1 का मान जो होता है आपके पास लॉग बेस 10, 1 का मान आपके पास 0 होता है, तो इस प्रकार से आपके पास ये इतना 0 हो जाएगा, और जब 0 आएगा तो आपके पास क्या 1.20 वोल्ट, इस तरह से आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं जो आपके पास क्या वैद्युत रसायन से है, वीडियो बड़ा हो रहा है, नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे कुछ और ईएमएफ और अच्छे क्वेश्चन आपके पास क्या, जैसे हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है उसके बारे में,
और उसके साथ साथ हमारे पास क्या ईएफओ कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, आप इस पर ध्यान दें।